नमस्कार दोस्तों, उनसे मत डरिए जो बहस करते हैं, बल्कि उनसे डरिए जो अपने बनकर छल करते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल के वी राशिफल में। आज हम बात करने जा रहे हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों का 28 अगस्त दिन बुधवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ों से सावधान रहना होगा और कुंभ राशि वालों को आने वाले समय में वो कौन कौन सी खुशखबरियां मिलने वाली है, तो दोस्तों आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कुंभ राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस व्यापार कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में आज का संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी कुंभ राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों आज बुधवार है, गणपति महाराज का दिन है। दोस्तों कमेंट में जय गणपति महाराज जरूर लिखना, वीडियो को लाइक करें और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट करें। अब बात करते हैं दोस्तों आज के पंचांग की। आज का पंचांग है 28 अगस्त 2024 दिन बुधवार। आज की तिथि है दशमी। आज का नक्षत्र है मिग्रशिरा नक्षत्र। पक्ष चल रहा है कृष्ण पक्ष। आज सूर्यदेव उदय होंगे सुबह 5:58 पे। सूर्यदेव अस्त होंगे शाम 6:47 पे। दोस्तों आज का शुभ समय है सुबह 10:52 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। अगर दोस्तों कोई शुभ काम करना है तो इसी समय करें, आपके लिए शुभ रहेगा। और साथ ही साथ आज का अशुभ समय है शाम 5:04 से शाम 5:55 तक। दोस्तों आज आपका लकी नंबर है 3 और लकी कलर है नारंगी और सुनहरा। अब बात करते हैं दोस्तों आज के चाणक्य नीति ज्ञान के बारे में। चाणक्य जी कहते हैं पार्टनर्स को एक साथ जरूर करनी चाहिए ये क्रिया, रिलेशनशिप की नींव हो जाएगी मजबूत। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ये सोचते हैं कि नए कपल सी डेट प्लान करते हैं तो आपको अपनी इस गलत फहमी को दूर कर लेना चाहिए। अगर आप अपने कई साल पुराने रिश्ते में फिर से जान डालना चाहते हैं तो अपने पार्टनर के साथ डेट प्लान करना ना छोड़ें। अगर आप चाहें तो अपनी पहली मुलाकात वाली जगह पर भी जा सकते हैं जिससे आप दोनों की यादें फिर से ताजा हों। वहीं अगर आप एक दूसरे के साथ ज़्यादा समय नहीं बिता पाते तो आप दोनों को एक साथ कुकिंग करना शुरू कर देना चाहिए। हर रोज साथ में खाना बनाने की वजह से आप एक दूसरे की और ज़्यादा करीब आते जाएंगे। यकीन मानिए आप एक दूसरे के साथ बिताने वाले कुकिंग टाइम को काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों आज के कुंभ राशि फल के बारे में, कैसा रहेगा आपका आज का दिन, आइए जानते हैं। तो दोस्तों नकारात्मकता से भरे छली लोगों से दूर रहें, ये आपको भी नकारात्मक बनाकर असफल कर देने की कोशिश में है, जबकि आप अपनी मंजिल के बहुत करीब हो। शांति के लिए आज अपना अधिकतम समय परिवार के साथ घर पर बिताएं और सारा बाकी काम पूरा कर लें। इस बीच कुछ मीठी यादें सहेजने के लिए अपने कमरे में आप जिसे प्रेम करते हैं उनका फोटो लगाएं। वो भगवान भी हो सकते हैं, वह आपकी प्रेमिका भी हो सकती है या आपके माता पिता भी हो सकते हैं। दोस्तों यदि आप आभूषण, म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट आदि में धन का निवेश कर रहे हैं तो आने वाले समय में इससे आपको अच्छा परिणाम मिल सकता है। हालांकि निवेश से जुड़ी शर्तें और नियमों को भली भांति समझ लें। पारिवारिक जीवन का माहौल आज वैसा रह सकता है जैसा आप सोचते हैं। आज के दिन आपको परिवार के लोगों के साथ घुल मिलकर रहकर आज अच्छा महसूस होगा। आप अपनी बातों को कहने में हिचकिचाएंगे भी नहीं। दोस्तों कुछ समस्याएं रहेंगी लेकिन आप अपने सूझबूझ और विवेक से उनका हल निकाल लेंगे। ऑनलाइन शॉपिंग वाली गतिविधियों में समय व्यतीत होगा। किसी निकट संबंधी के घर आने का निमंत्रण भी मिलेगा। साथ ही आपको बताएं घर के वरिष्ठ सदस्यों के मान सम्मान और मार्गदर्शन की अवहेलना कदापि ना करें। वहीं किसी अपरिचित व्यक्ति से अपनी गतिविधियां शेयर ना करें और ना ही किसी बहस में उलझें, क्योंकि कोई कानूनी कार्यवाही होने की स्थिति बन सकती है।
कारोबारी मामलों में जल्दबाजी में लिया गया निर्णय नुकसानदेह रह सकता है। व्यवसायिक गतिविधियां सामान्य रहेंगी। किसी नए कार्य की योजना बनाते समय उसके सभी पहलुओं पर विचार अवश्य करें। पति पत्नी के बीच चल रहे मन मुटाव दूर होंगे, घर का वातावरण सामान्य रहेगा। दोस्तों ध्यान रहे, आज आप स्वयं को दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित करें। इससे ना सिर्फ आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि व्यवहार लचीलता आएगी। डर, ईर्ष्या और नफरत जैसे नकारात्मक मनोभावों में भी कमी आएगी। अगर आपने अपने घर के किसी सदस्य से उधार लिया था तो उसे आज लौटा दें, नहीं तो वह आपके खिलाफ कानूनी कार्यवाही कर सकता है। दोस्तों अपने परिवार की भलाई के लिए मेहनत करें। आपके कामों के पीछे प्यार और दूरदृष्टि की भावना होनी चाहिए, ना कि लालच का चेहर। आपको अपनी ओर से सबसे अच्छा बर्ताव करने की जरूरत है, क्योंकि आपके प्रिय का मूड बहुत अनिश्चित होगा। दफ्तर में आप तारीफ पाएंगे। आज घर के लोगों के साथ बातचीत करने के दौरान आपके मुंह से कोई ऐसी बात निकल सकती जिससे घर के लोग नाराज हो सकते। इसके बाद घर के लोगों को मनाने में आपका काफी समय व्यतीत हो सकता है। आपकी बीती जिंदगी का कोई राज आज आपके जीवन साथी को उदास कर सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके लव लाइफ की। आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों इस राशि के प्रेमी आज असामान्य महसूस कर सकते हैं, क्योंकि उनकी लवमेट के बारे में तीसरे व्यक्ति की गुप्त बात सामने आएगी और यह गुप्त बात बहुत बड़ी भी हो सकती है। हालांकि मैं आपको सलाह दूंगा कि आप किसी तीसरे व्यक्ति की बात पर भरोसा ना करें और उनकी बातों की सत्यता की अवश्य जांच करें। दोस्तों आज आपको चारों तरफ से रोमांटिक संबंध के बारे में कुछ करने का अवसर मिलेगा, लेकिन आपको अपना पार्टनर चुनने से पहले अपनी प्राथमिकताओं के बारे में सोच लेना चाहिए ताकि भविष्य में कोई समस्या ना आए। अगर आपका पहले से ही कोई संबंध है तो आप इसे अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। आपको पार्टनर फिलहाल आपको लेकर कोई पैसेजिव या अंतरंग अनुभव करेगा। आप दोनों आज कहीं बाहर भी घूमने जा सकते हैं। अब आपकी प्रतिक्रिया से इस संबंध का आगे का रुख तय होने वाला है। अब बात करें दोस्तों आपके आज के व्यापार और कैरियर की। तो दोस्तों वह जातक जो पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं उनके लिए आज का दिन शुभ रहेगा। आज आप अपने पार्टनर के साथ चली आ रही किसी दुविधा को अपनी समझ और अपने संयम से दूर कर सकते हैं। वहीं नौकरी पेशा व्यक्ति आज के दिन कार्य क्षेत्र में हो रहे राजनीति से जितना संभव हो दूर रहने की कोशिश करें। आज आपको उन सभी लोगों से दूरी बनाकर रहनी है जो पीठ पीछे अपने सीनियर्स की कमियां निकालते हैं। इससे आप भविष्य में आने वाली कई परेशानियों में स्वयं को डालने से बच जाएंगे। और आज दोस्तों किसी अंतरंग मुलाकात जो पूर्ववर्ती में छूट गई थी बहुत ही संभव है कि आज वो मिल जाए। तो दोस्तों ये था आज का कुंभ राशि का राशिफल। रोज की कुंभ राशि देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑल पर सिलेक्ट करें। आपका दिन शुभ हो। नमस्ते दोस्तों, राधे।